नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है महान्यूज सेवन में। महान्यूज सेवन के हेलो डॉक्टर में आज हम आए हुए हैं इंटीग्रिटी हॉस्पिटल में, जहां पर हम डॉक्टर पंकज ढोबड़े से जानकारी लेंगे CPR के बारे में। CPR यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन है, जो प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड है, जो कि जिसको अगर किसी पीड़ित को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत आ रही है, सांस नहीं ले पा रहा हो या फिर वो बेहोश हो जाता है तो CPR दिया जाता है। इसके अलावा अन्य भी इसमें कुछ स्टेप्स है जिसके बारे में आज हम जवाब जानने आए हैं डॉक्टर पंकज ढोबड़े से। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार। और आज हमारा जो विषय वो है CPR के बारे में, तो हम ये जानना चाहेंगे कि CPR क्या होता है और ये कब दिया जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज ढोबड़े। CPR मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन। कार्डियो जैसे मैं बताया हार्ट, पल्मोनरी लंग्स, रिसिटेशन मतलब टू रिवाइव। अब CPR कब दिया जाता है? नॉर्मली हॉस्पिटल्स में जब पेशेंट कोई क्रिटिकल होता है, उसका हार्ट बंद हो जाए, सांस बंद हो जाए, तो हम ऐसे में एक CPR टेक्निक देते हैं ताकि हम उसका हार्ट और लंग जो सांस बंद हो गई है उसको हम फिर से शुरू करा सकें। पेशेंट तो क्रिटिकल है, लेकिन जब हार्ट या फिर सांस बंद हो जाए तो कुछ मिनटों तक हम ये प्रोसेस करके उसका हार्ट रिवाइव कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, नॉर्मली हॉस्पिटल्स में स्टाफ को, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाती है हाउ टू डू CPR, होता क्या है, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ये हॉस्पिटल के अलावा जनरल पब्लिक में भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा कोई एक्टर या फिर कोई लोग जिम करते वक्त हार्ट अटैक से अनकॉन्शियस हो गए, डेथ हो गई। बहुत से लोग किसी शादी में थे, डांस कर रहे थे, तब उनका हार्ट बंद हो गया, सांस बंद हो गई। तो ऐसे वक्त क्या होता है, इमरजेंसी, हम लोग घबरा जाते हैं। ठीक है, हम फ़ोन करते हैं एम्बुलेंस, लेकिन कोई भी एम्बुलेंस डॉक्टर आपके समय तक पहुंचने के लिए वक्त तो लेगी, 5-10 मिनट तो लेगी। उस वक्त आप क्या कर सकते हो, जनरल पब्लिक क्या कर सकती है? इसी के लिए आजकल कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ डॉक्टर्स के ग्रुप्स हैं जो ये CPR टेक्निक सिखा रहे हैं लोगों को, लोगों को आगाह कर रहे हैं कि आपको ये सीखना चाहिए। अब होता क्या है, जनरल बेसिक प्रिंसिपल में समझाता हूँ। जब आपका कोई क्रिटिकल डिजीज़ हो, आपका हार्ट बंद पड़ जाए, लंग की सांस बंद हो जाए, तो आप क्या करोगे? हार्ट बंद हो गया मतलब ब्लड का फ्लो रुक गया। हार्ट क्या करता है, पंपिंग करता है ना। पंपिंग से क्या होता है, आपका ब्लड फ्लो आगे जाता है, आपके ऑर्गन्स में जाता है। ऑर्गन्स मतलब कौन कौन से, आपका लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन और सबसे ज़रूरी ब्रेन। सी, ब्रेन को न्यूट्रिशन मिलता है ब्लड से। ब्रेन बहुत सेंसिटिव होता है, अगर उसका ब्लड फ्लो थोड़ी देर के रुक जाए, ब्रेन डैमेज हो जाएगा, ब्रेन डेड हो जाएगा। तो ब्रेन डेड एक ऐसी सिचुएशन है, अगर आपका हार्ट पंपिंग भी कर रहा है, आपका ब्रेन डेड है, तो पेशेंट कोमा में है, उसका लाइफ का कोई मतलब नहीं है। तो आपको CPR टेक्निक से आपको ब्रेन को बचाना है, आपके हार्ट को बचाना है। तो एक तो टेक्निक उसमें होता है हार्ट पंपिंग, जो एक पार्ट ऑफ CPR का है। दूसरा होता है, जब आपने बहुत लोगों ने देखा होगा पिक्चरों में, जब कोई डूबता है पानी में या फिर क्रिटिकल होता है, मुंह से सांस देते हैं, इसको माउथ टू माउथ ब्रेथ कहते हैं। इसका क्या महत्व है, जब हार्ट पंपिंग करना बंद कर दे, ब्लड फ्लो बंद हो गया, सांस बंद हो जाए मतलब लंग का काम बंद हो गया, तो हमारा जो ऑक्सीजन लेने की क्षमता है वो तो पूरी तरह बंद हो गई। माउथ टू माउथ से हम क्या करते हैं, पेशेंट को एयर देते हैं, इसके ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन लंग में क्या करता है, जब लंग में जब जाता है तो ऑक्सीजन अपने ब्लड को प्योरीफाई करता है। ये दोनों टेक्निक को कंबाइन करके बनाया जाता है CPR। एक कॉमन एग्जांपल ऐसे देना चाहूँगा, जैसे कोई गाड़ी है, टू व्हीलर है, कभी कभी बारिश में देखो आप बंद पड़ जाती है, उसको स्टार्ट होने में टाइम लेता है, आप बार बार किक मारते हो। क्यों मारते हो, ताकि वो एक ट्रिगर हो जाए। आप 5 बार मारोगे, 6 बार मारोगे, ट्रिगर होते हुए गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। CPR में होता क्या है, एक टेक्निक है 30:2 रेशियो होता है, मतलब आप चेस्ट कंप्रेशन दो। चेस्ट कंप्रेशन मतलब आपको छाती को दबाना है लेफ्ट साइड से या मिड स्टर्नम। अब कंप्रेशन देने से होगा क्या, आपके मिड स्टर्नम या छाती के ठीक नीचे आपका हार्ट है, जब आप कंप्रेशन देते हो आप हार्ट को ट्रिगर कर रहे हो। तो जब तक हार्ट ऑटोमेटिकली काम करना शुरू नहीं करता, आप हार्ट को पंपिंग करके आर्टिफिशियल पंपिंग करा रहे हो, जिससे होगा क्या कि जो ब्लड थमा हुआ है वो आगे फ्लो होगा, आगे जाएगा, ब्रेन में जाएगा। आप 30 कॉम्प्रेशन देते हो, उसके बाद आप माउथ टू माउथ ब्रेथ देते हो, वो किस लिए, ताकि ऑक्सीजन अंदर जाए।
जो ब्लड आप फ्लो करवा रहे हो आर्टिफिशियली वो प्योरीफाई होकर आपके ब्रेन में या आपके ऑर्गन्स में जाए, ताकि आपको वक्त मिल जाए कि कोई मेडिकल हेल्प या एम्बुलेंस तब तक आ सके। पेशेंट कोई क्रिटिकल, सपोज एग्जांपल पेशेंट कोई क्रिटिकल सडन उसको चेस्ट पेन हुआ और कोलैप्स हो गया, कोलैप्स मतलब उसका हार्ट बंद हो गया, उसकी सांस बंद हो गई, कहीं वो आप पकड़ लीजिए बस स्टॉप पे पड़ा हुआ है। अगर कोई नागरिक को पता है CPR टेक्निक क्या होती है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले मेडिकल हेल्प के लिए कॉल कीजिए, एम्बुलेंस तो आएगी, आप पहले जगह को एसेस कीजिए, जगह बनाइए, किसी की हेल्प लेकर पेशेंट को सीधा लिटाइए। सीधा लिटाने के बाद क्या होता है, उसके लेफ्ट साइड के चेस्ट में मिड स्टर्नम पे कॉम्प्रेशंस दीजिए। उसका एक टेक्निक होता है जो आपको वीडियो में दिख रहा होगा, आपके हाथों से ऐसा कर चेस्ट को प्रेस कीजिए, उसको होता है आप 30 टाइम्स प्रेस कीजिए कंटिन्यू, उससे क्या होगा हार्ट ट्रिगर होगा, आपका ब्लड फ्लो आगे जाएगा। 30 टाइम्स के बाद आप उसको माउथ ओपन कीजिए, उसका भी एक टेक्निक होता है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, मतलब हेड को टेढ़ा कीजिए चिन को ऊपर कीजिए, उससे क्या होगा कि आपका जो एयरवे है जगह है वो काफ़ी चौड़ी बन जाएगी। आप उसमें आप उसके नाक को बंद कीजिए, अपने मुंह से उसके मुंह के एरिया को लॉक कीजिए और पूरे जितनी क्षमता से हो पहले इनहेल कर लीजिए, जितनी क्षमता से उतना एयर फोर्स कीजिए, ताकि आपने जो कंप्रेशंस दिए हैं जो ब्लड आगे जा रहा है उसको ऑक्सीजन मिल चुके और वही एयर आपके ब्रेन में या आपके बाकी ऑर्गन्स में जाए, ताकि जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आती इससे इस प्रोसीजर से हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं। तो जैसे अमूमन ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई बेहोश होकर गिर जाता है या फिर, तो उसको इस तरह की टेक्निक से हम बचाया जा सकता है। हाँ, कैसे तो कोई बेहोश होकर गिर गया, आपको सबसे पहले मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करना है, आपको जगह एसेस करनी है, आपको सबसे पहले उसको पल्स भी देखनी है, नाड़ी तो आप कॉमन चीज है, आप देख सकते हैं नाड़ी, आप जिसे पता लग सकता है कि कितना स्लो चल रहा है, इतना स्पीड चल रहा है, मेंटेन कर रही है, उसकी सांस चल रही है, तो डेफिनेटली आपको मेडिकल हेल्प के लिए वेट करना है, उसको एक पोजीशन में लिटा देना है साइड पोजीशन पे, तथा मेडिकल हेल्प ना है उसको एक अच्छी सेफ जगह पे मूव कर दीजिए। आप देख रहे हो कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, सांस नहीं ले रहा है, नाड़ी बिल्कुल एब्सेंट है, कुछ नहीं है, मतलब उसको अभी हुआ है जस्ट 2 सेकंड पहले, मेडिकल हेल्प आने को 15 मिनट है, आप क्या करोगे? तो आपको अगर पेशेंट की जान बचानी है तो आपको ये CPR टेक्निक सीखनी, बहुत सिंपल टेक्निक है, आपको सीखनी पड़ेगी। इससे आप क्या करोगे कि आपको तो वक्त मिल जाएगा, अगर वक्त मिल गया, पेशेंट को सपोज एक्यूट हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक की वजह से उसका हार्ट बंद हो गया है, आपकी इस कंप्रेशन या CPR टेक्निक की वजह से होगा क्या कि उसका हार्ट एटलीस्ट ट्रिगर करेगा, रिवाइव कर जाएगा, उसको वक्त मिल जाएगा, तब तक मेडिकल हेल्प आ जाएगी, उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर देगी, प्राइमरी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा और पेशेंट की जान बच जाएगी। होता क्या है कि बहुत बार जो ये अनकॉन्शियस पेशेंट हो जाते हैं, सांस बंद हो जाती है, इसमें से मैक्सिमम लोग रिवाइव कर सकते हैं अगर उनको टाइमली हेल्प मिल जाए। टाइमली हेल्प आप मेडिकल हेल्प को बुलाओगे, मेडिकल हेल्प भी जल्दी आ जाएगी, लेकिन अगर नागरिक जागरूक रहा, उसको ये आइडिया रहे कि मैं इस सेकंड में क्या कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली पेशेंट की जान बचा सकते हो। जी, जैसे कि आपने बताया कि आम जनता को इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, जानकारी भी नहीं है, शायद वो रखना भी नहीं चाहते, और ऐसे बहुत से ऐसे सिटीज़ में भी ऐसे देखा गया है कि अगर कोई बेहोश होकर गिर जाता है तो वो ये समझ लेते हैं कि शायद वो मर गया, या फिर वो चेक भी नहीं करते हैं और वो मेडिकल जो है वो आने का वेट करते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को आप क्या बताना चाहोगे, क्योंकि वो भी पैनिक करते हैं और पेशेंट की फैमिली भी पैनिक करती है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए आप क्या बताना चाहोगे कि एक तरीका है हार्ट को एक्टिव करने का और वो पल्स को करने का? कैसा है, इमरजेंसी तो किसी के साथ भी आ सकती है, हार्ट अटैक किसी को भी हो सकता है, आजकल ऐसे ऐसे केसेस हो रहे हैं कोई बता के नहीं आ रहा। आप ऐसा समझिए, आप अगर किसी की हेल्प कर रहे हो तो आप ये भी सोच सकते हो कि उसमें आगे जाकर आपको भी परिजन हो सकता है, उसकी हेल्प कौन करेगा? बिल्कुल, अल्टीमेटली गिविंग इज लिविंग, लिविंग इज गिविंग। आप जो आज किसी के लिए करोगे डेफिनेटली आगे जाके पलट के आएगा। आप ये मत सोचो कि ये तो मेरे पहचान का नहीं है, मैं क्यों इस झंझट में पड़ूं। बहुत सारे पेशेंट में ऐसे भी होते, एक्सीडेंट केसेस होते हैं, एक्सीडेंट में बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट होता क्या है, शॉक बैठ जाता है, हार्ट स्टैंड स्टिल स्टॉप हो जाता है, लेकिन उनको रिवाइव किया जा सकता है। आजकल नंबर ऑफ मेडिकल बॉडीज, कुछ बॉडीज है जो ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि लोगों को एटलीस्ट जागरूक कर। इसमें आपको हार्डली कुछ बहुत सिंपल है, प्रोसीजर भी पता नहीं रहता है, वीडियोस में भी आप देख पाओगे, आपको बहुत सिंपल है, आपको चेस्ट कंप्रेशन देने हैं, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है। जो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग तो आपने काफ़ी फिल्मों में देखा होगा, किसी को कोई एक्सपर्ट भी नहीं है तो आराम से दे सकता है। चेस्ट कंप्रेशन, पेशेंट को सीधा लिटा दिया, आपने अपने हाथों से कंप्रेस करना है, एक लेवल तक कंप्रेस करना है, ताकि आपका जो फोर्स है हार्ट पर जाके प्रेशर डाले और हार्ट ट्रिगर हो जाए।
क्योंकि होता क्या है कि क्रिटिकल स्टेज में हार्ट बंद हो गया लेकिन डेड नहीं हुआ, तो आप उसको कॉम्प्रेशन देकर प्रॉपर CPR से उसको रिवाइव कर सकते हो। एक बार हार्ट रिवाइव हो गया, धड़कन चालू हो गई, तो पेशेंट के जो मौत के मुंह में चला गया है वो वापस आ सकता है। सी होता कैसा, क्रिटिकल और डेथ वो जो पीरियड होता है बहुत क्रुशियल होता है। आपके पास एक मैं कहता हूँ कि एक टाइम पीरियड होता है कुछ मिनटों का, कुछ सेकंडों का, उसमें आपने प्रोसीजर कर लिया तो आपका ट्रिगर हार्ट ट्रिगर हो जाएगा, आपका हार्ट बच जाएगा, पेशेंट की जान बच जाएगी। देन अकॉर्डिंगली आप जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आती आप उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कराइए, उसका ट्रीटमेंट कराइए। बहुत लोगों का जैसे हम हॉस्पिटल में बहुत से पेशेंट होते हैं हार्ट अटैक के पेशेंट, बाकी भी पेशेंट्स, जब भी उनका हार्ट स्टैंडस्टिल हो जाता है या हार्ट रुक जाता है, हम ये प्रोसीजर करते हैं, पेशेंट रिवाइव करते हैं। पेशेंट जो ऐसा जो काम को लगे कि हार्ट बंद हो गया, सांस बंद हो गया, पेशेंट मर गया, तो ऐसी टेक्निक से हम उन सेकंड्स में, कुछ कुछ मिनटों में पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं, पेशेंट को जीवन दान दे सकते हैं। तो ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेप्स है जो हमको आना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेशेंट क्रिटिकल हो गया कि हम सोचते बैठे कि क्या करें क्या करें, ये हमारे साथ भी हो सकता है ना, किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये टेक्निक, छोटी छोटी टेक्निक हमको मालूम होना ही चाहिए ताकि हम इसका जब भी इमरजेंसी जरूरत पड़े इसका यूज़ कर सकें। जी, इसके अलावा डॉक्टर पंकज मुझे बताएं कि CPR के 7 स्टेप्स भी होते हैं, तो क्या होते हैं स्टेप? जैसे मैंने अभी बताया, सबसे पहले मेडिकल हेल्प को कॉल कीजिए, उसके बाद जगह को असेस कीजिए, आप पेशेंट कहाँ पर है। बहुत से पेशेंट्स जैसे मैंने एग्जांपल बताया जिम में, कहीं वो मशीन पे पड़े हुए हैं, उनको एक प्रॉपर स्पेस में लेके आइए, उनका पल्स चेक कीजिए, उनका एयरवे कैसा, एयरवे मतलब उनका मुंह भी कैसा है, उनको प्रॉपर फ्लैट पोजीशन पे लिटाइए, आपकी तैयारी कीजिए, हेल्प मांगिए, उनका पल्स आपने देखने के बाद CPR का पोजीशन दीजिए, CPR स्टार्ट कीजिए, माउथ टू माउथ ब्रेथ दीजिए और हेल्प के लिए वेट कीजिए। ये पूरे इसके स्टेप्स है। 30:2 में जो रेशियो बताया, आपको कॉम्प्रेशन देने, कॉम्प्रेशन मतलब आपको प्रेस करना है 1, 2, 3 ऐसे गिनते गिनते प्रेस करना है, इट शुड बी एटलीस्ट 1/3 प्रेस होना चाहिए ताकि हार्ट ट्रिगर कर सके। जैसे 30 कॉम्प्रेशन आपके हो जाए, आप माउथ खोलिए, उसको पोजीशन दीजिए, माउथ से इनहेल कर लीजिए पहले एयर, उससे फोर्सफुली दीजिए ताकि उससे आपका हार्ट लंग दोनों की कार्य करने की क्षमता चालू हो जाए। और ये दोनों ही क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हार्ट आपका ब्लड पहुंचाएगा, लंग आपका ऑक्सीजनेट करेगा, और ये बेसिक जो कॉम्बिनेशन है ये आपके ब्रेन को, आपके बाकी ऑर्गन को ब्लड पहुंचाएगा। बाकी ऑर्गन्स मैं कहता हूँ किडनी, लीवर कुछ देर तक सर्वाइव कर सकते हैं या फिर मेंटेन कर सकते हैं, ब्रेन ऐसा नहीं करेगा। ब्रेन को ब्लड सप्लाई स्टॉप हो गया तो उसको एक पैरालिसिस मार जाएगा, या तो टिश्यू डैमेज हो जाएगा। टिश्यू अगर एक्सटेंसिव डैमेज होगा ब्रेन का तो पेशेंट कोमा में चला जाएगा, ब्रेन डेड हो जाएगा। वंस पेशेंट इज ब्रेन डेड आप कुछ नहीं कर सकते। ब्रेन डेड का ऐसा होता है कि जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, बहुत दिनों से क्रिटिकल है, सीरियस चल रहा है, एक बार उनका ब्रेन डेड हो गया देन वी कंसिडर दैट पेशेंट फॉर ट्रांसप्लांटेशन। क्योंकि आपकी बॉडी तो ठीक है रहेगी, हार्ट धड़क रहा है, कर रहा है, लेकिन वंस इट इज़ ब्रेन डेड इट्स इक्विवेलेंट टू डेड, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आपको इस इमरजेंसी सिचुएशन में आपके ब्रेन को बचाना है, जो इस CPR टेक्निक से आप डेफिनेटली बचा सकते हैं। जी, तो कार्डियक अरेस्ट और दिल का दौरा पड़ने पर क्या सब इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है, इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें हैं जो इससे संबंधित है? देखिए, कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा, एक हार्ट अटैक हो गया। अब ये जो अरेस्ट अलग बात होगी, दिल का दौरा अलग बात होगी। अरेस्ट आपका बहुत कारणों से हो सकता है, आपका दिल का दौरा पड़ा है, आपका एक्सीडेंट हो चुका है, आपको कोई और सीरियस बीमारी है, आपका उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। दिल का दौरा पड़ गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो डेफिनेटली आपको पहले CPR ही देना है, क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस है ना, आप उसको दवाई कैसे दोगे? आपको CPR दे के मेडिकल हेल्प का वेट करना है, क्योंकि आप CPR में उतने टाइम में उसका ब्लड फ्लो बढ़ा रहे हो, उसको ऑक्सीजनेट कर रहे हो। पेशेंट डेफिनेटली चेस्ट पेन है, कॉन्शियस है, लेकिन वो डिस्ट्रेस में है, अनकॉन्शियस नहीं हुआ, उसका कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ है। इसमें मैं जैसे पहले भी बताया था मेरे पहले के वीडियोस में, अब पेशेंट को एक रिलैक्सिंग पोजीशन में लेके आइए, एक ड्रग होता है डिस्प्रिन, कॉमन ड्रग है, सबके पास मिल जाएगा, वो उसको पानी में घुला के पिला दीजिए। डिस्प्रिन होता क्या है, इकोस्प्रिन, जो खून पतला करने की दवा है, जो कॉमन आदमी के पास रहती है, उसको पिला दीजिए, खून पतला करेगा, एटलीस्ट को वक्त मिल जाएगा, मेडिकल तो आएगी। आपको मेडिकल हेल्प का वेट करना ही है या पेशेंट को शिफ्ट करना ही है? ड्यूरिंग शिफ्टिंग आप इतना काम कर सकते हैं, बहुत लोगों को पता भी होगा सॉर्बिट्रेट गोली होती है हार्ट के साइज शेप की, जो जीप जवान के नीचे रखते हैं, वो भी एक हार्ट का पेन करने कम करने की दवा है जो इमरजेंसी हम दे सकते हैं। लेकिन ये हो गया स्पेसिफिकली हार्ट अटैक।
कार्डियक अरेस्ट इज डिफरेंटली. कार्डियक अरेस्ट कैन बी बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, इट कैन बी बिकॉज ऑफ योर अदर कॉम्प्लिकेशंस, कैन बी बिकॉज ऑफ योर एक्सीडेंट, एनीथिंग. तो कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट अरेस्ट हो गया. अरेस्ट मतलब क्या हो गया, स्टैंड स्टिल हो गया, हार्ट काम नहीं कर रहा, हार्ट पम्प नहीं कर रहा. इन दैट सिचुएशन यू हैव टू हेल्प हार्ट ट्रिगर. वो आप सी पी आर टेक्निक से ही कर सकते हो. ट्रिगर करो, पंपिंग करो, माउथ टू माउथ ब्रेथ दो, पेशेंट रिवाइव हो जाएगा. आप बहुत बार देखा भी होगा ड्राउनिंग पेशेंट्स जो डूब जाते हैं, होता क्या है आपके लंग्स में पानी भर जाएगा बिकॉज ऑफ दैट कार्डियक अरेस्ट होते हैं ना. आप डेफिनेटली पेशेंट को पोजिशन दो, प्रोन पोजिशन दीजिए उसको वाइन निकालने के लिए. पेशेंट स्टैंड स्टिल है, कुछ नहीं है, हार्ट बंद है, तो उसको पंपिंग कीजिए, माउथ टू माउथ ब्रेथ दीजिए. पंपिंग से होगा कि आपका हार्ट स्टार्ट हो जाएगा, बाकी फिर आपके पोजीशन करके आपकी जान बचा सकते हैं. इसमें एक ऐसा है कि फ्रंट मतलब उल्टा करके भी उसको एक तरह का इसमें अगर पानी मुंह में चला गया. हाँ, लेकिन अगर हार्ट स्टैंड स्टिल है और आर्डिया करेक्ट हो चुका है, तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेट करके उसको पंपिंग करके माउथ टू माउथ करके उसको जान बचानी पड़ेगी. पल्स, आपकी पल्स आ गई, आपकी सांस शुरू हो गई, देन यू कैन प्रोन इट एंड देन आप पानी निकालने के बाकी चीज़ें कर सकते हो. आपको तो डेफिनेटली मेडिकल के लिए वेट करना है, मेडिकल में शिफ्ट करना है या फिर हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है. लेकिन ये जो इमरजेंसी मेजर्स सबको पता होने ही चाहिए. इसके वर्कशॉप भी होते हैं हमारे हॉस्पिटल में, कुछ दिन पहले हो चुका है वर्कशॉप. स्टाफ को ट्रेन करते हैं. स्टाफ तो खैर हॉस्पिटल का पार्ट है, लेकिन इसी स्टाफ के थ्रू हम उनके परिजनों को या फिर उनके लोकेलिटी के पर्सन को भी ट्रेन करना चाहेंगे. उसके लिए भी हम एक वर्कशॉप रखेंगे ताकि जनरल पब्लिक आके भी सीख सके. जी, तो जैसे जनरल पब्लिक को इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, और आज का अपना जो विषय था सीपीआर के बारे में, ताकि उनको जागरूकता वैसे भी नहीं है, तो ये जागरूकता के उद्देश्य से अपन का आज का जो विषय था वो था सीपीआर का. तो इसके अलावा भी आपका क्या संदेश रहेगा आम जनता के लिए? जनता के लिए यही रहेगा कि जब भी कोई पेशेंट इमरजेंसी में हो, आप डेफिनेटली हेल्प के लिए आगे आइए. आप ये मत सोचिए कि मेरा वक्त जाएगा या फिर मैं किसी इसमें फंस जाऊंगा, ये मत सोचिए. आज वो है, कल कोई हमारा रिश्तेदार रह सकता है. तो जितना अपने से हो सके हेल्प करने की कोशिश कीजिए. आपकी छोटी सी हेल्प, आपका एक इनिशिएटिव किसकी जान बचा सकता है. वो जो भी पर्सन है जो सफ़र कर रहा है, वो भी किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का हस्बैंड हो सकता है. एक हमारी छोटी सी पहल उसके लाइफ और डेथ के बीच में एक डेफिनेटली एक बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है. क्योंकि ये सिचुएशन सर्वाइवेबल है. ये जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं डेफिनेटली किसी डिस्क की वजह से होते हैं, तो हम उसको सर्वाइव करके पेशेंट को बचा सकते हैं. पेशेंट कैन हैव हेल्दी लाइफ आफ्टर दिस सर्वाइवल. सो आप ये सोच के कीजिए कि हम किसी की जान बचा रहे हैं. किसी की जान बचाना बहुत बड़ा काम है, बहुत पुण्य का काम है, जिसको आपको सेल्फ बेटर भी अच्छा, आपको भी अच्छा लगे कि हमने किसी की जान बचाई. ये चीज़ें आप सीखिए. हॉस्पिटल्स आज कुछ बॉडीज भी इसमें आगे प्रोग्राम्स कर रही है, हम भी हॉस्पिटल करके तरफ से प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि ये जनरल पब्लिक को कुछ तो आइडिया हो कि सीपीआर टेक्निक होता क्या है और ऐसी इमरजेंसी में हम लोगों की जान बचाने के लिए क्या कर सकते हैं. जी, तो जैसे कि आपने बताया कि वर्कशॉप्स हो रहे, कैंपिंग्स हो रहे, तो अगर ऐसे में अगर अपने इंटीग्रिटी हॉस्पिटल में अगर ऐसे वर्कशॉप्स या कैंपेन अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो उसके लिए अगर कोई जो जनता है अगर इनिशिएटिव लेके आना चाहती, तो उनके लिए आप मतलब आपका क्या रहेगा प्रोसीजर? हमारे वेबसाइट पे, हमारे आप गूगल पे देखोगे हमारी वेबसाइट लिस्ट हो जाएगा, हमारे गूगल पेज पे भी लिस्ट हो जाएगा जो हम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे. डेफिनेटली हम इसको 15-20 दिन पहले इंफॉर्मेशन करके ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि जितने लोगों को भी हम सिखा सके, उनको बता सके महत्व. 100 लोगों को बताऊंगा 100 लोग तो नहीं मानेंगे, लेकिन उनमें से मैं अगर 10 लोगों को भी ट्रेन कर पाया, उनको समझा पाया, तो भी मेरा जो बताने का उद्देश्य है फुलफिल हो रहा है. कि वो मैं 10 लोगों को ट्रेन करके वो आगे 10 लोगों को ट्रेन करेंगे. तो ऐसे ही करते करते छोटे छोटे ग्रुप्स में अगर लोग ट्रेन भी होते हैं, तो भी हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा है. जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आपने सीपीआर के बारे में जानकारी दी. हालांकि ऐसे बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं जो ऐसी जानकारी देते हैं. मैं ये करना चाहूँगी कि जिनके घर में हार्ट पेशेंट्स हैं, उनके घर में ये जो एक अपनी जो मुलाकात हुई है इस विषय पर, ये ज़रूर उसे रिलेट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि सिचुएशन घर में कैसी होती है. कभी भी ऐसे पैनिक अटैक्स आते हैं या फिर ऐसी सिचुएशन से वो
आमतौर पे जूझते हैं, तो उन लोगों के लिए भी खासतौर पे सीपीआर का विषय जो था आज का यूसी के लिए था, ताकि डॉक्टर पंकज आपको इस तरह की एक सामाजिक संदेश दे सके, क्योंकि इसकी जागरूकता बहुत कम है और सीपीआर सही मायने में एक प्राथमिक फर्स्ट एड बोल सकते, प्राथमिक चिकित्सा बोल सकते, जिससे जान बचाई जा सकती है। तो हमारा जो आज का विषय था सीपीआर, आपको अच्छा लगा होगा और डॉक्टर पंकज से आप सलाह मशवरा ले सकते हैं। उनके हॉस्पिटल में आके अगर आपको कुछ जानकारी इससे जुड़ी कर लेनी है तो आप ज़रूर इंटीग्रिटी हॉस्पिटल में आइए। तब तक आप देखते रहिए महान्यूज 7। हेलो डॉक्टर, इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर, अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। आर एड्रेस विनोबा नगर, खरपी रिंग रोड, नागपुर। आर कॉन्टैक्ट 8668792352, 9801980100।